स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइल, दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिस्कस की थी। अब इस लेक्चर के अंदर कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे। कार्ब एनाइन क्या होता है कि अगर कोई कार्बन नेगेटिव चार्ज रख रहा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से या दो इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर इसकी शेप देखें हम लोग, तो अगर ये CH3 नेगेटिव कर लें, मतलब तीन हाइड्रोजन लगा लें, तो एक कार्बन, तीन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, एक लोन पेयर आपके पास होगा, ठीक है, और एक ग्रुप आपसे दूसरी तरफ, मतलब के बोर्ड के अंदर वाली तरफ, और एक ग्रुप आपकी तरफ, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज। तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर के साथ जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है जी। इसको पायरामिडल भी बोलते हैं, पायरामिडल। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और शेप क्या होगी, पायरामिडल। अगर सेंटर वाली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बात की जाए तो वो क्या होगी, sp3, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर्स कितने हैं, एक, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, तीन, तो मिला जुला के क्या आता है, चार। चार के लिए कम्बिनेशन sp3 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट कार्बन, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी है, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, छः इलेक्ट्रॉन और दो, आठ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, एक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ज़ीरो, मतलब कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा हुआ, दो दो की फॉर्म के अंदर मौजूद है, पेयर की फॉर्म के अंदर। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक तो क्या बोलेंगे, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद होता तो क्या बोलते, ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन रिच है, रिच स्पीशी है, मतलब कहने से मुराद अल्दो इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन चार्ज तो रख रही है कि नहीं। कोई भी चीज़ स्टेबल ऑक्टेट की वजह से नहीं होती, बल्कि ऑक्टेट उसका एक क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी का, चार्ज भी मिनिमाइज होना चाहिए, क्योंकि चार्ज यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए ये स्टेबल होने के लिए चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए रिएक्शन कर सकती है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इसका मतलब है कि इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब के इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज़, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तलाश में रहेगी ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट के मतलब ये रिएक्शन के दौरान ही बनता है, ऐसे हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होता है ये भी, मतलब बहुत कम टाइम के लिए बनता है और साथ ही रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। उसके बाद हाईली अनस्टेबल होता है ये, मतलब ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिएक्शन करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हाईली रिएक्टिव होगा ये, रिएक्टिव का मतलब रिएक्शन करने का उतावलापन, मतलब इसको जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पीसी नज़र आएगी ये फ़ौरन अटैक कर देगा, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, चार्ज। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट के लिहाज से बात है वो क्या होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है,
तो किन ग्रुप्स की मौजूदगी में ये स्टेबल होगा? जाहिर सी बात है माइनस आई ग्रुप अगर लगे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इसे खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इसके ऊपर जो नेगेटिव का चार्ज है ये कम हो जाएगा, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके साथ प्लस आई ग्रुप लग जाएंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है इटसेल्फ और कुछ ग्रुप्स देने वाले लग गए हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मज़ीद ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप्स, ठीक है, कार्बो एनायन बिकम्स अनस्टेबल। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। दूसरा पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप्स कार्बो एनायन बिकम्स स्टेबल, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे तो इसको स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे इसको डिस्टेबलाइज, मतलब कार्बोकेटाइन का अपोजिट ग्रुप इसको चाहिए होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उसके बाद CH2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन हटा के NO2 लगा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन लेना। NO2 का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देगा, मतलब नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कम कर देगा, मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इस सारे ग्रुप का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, मतलब ये इसके नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे, तो ओवरऑल स्टेबल सिस्टम कौन सा होगा? ये वाला, जिसका चार्ज कम से कम मौजूद है, ठीक है। उसके बाद देखें CH2 नेगेटिव साथ में F लगा हुआ है, और NO2 और CH2 नेगेटिव, हमें पता है कि NO2 का माइनस आई ज़्यादा है और F का माइनस आई कम है, तो ज़्यादा स्टेबल सिस्टम कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। और अगर एग्जांपल्स कर लें हम लोग, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये वाला नेगेटिव चार्ज, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? अगर इसको नंबरिंग कर लें हम लोग 1, 2 और 3, आप देखना स्टार्ट कर दें इसको कितनी तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। इसको कितनी तरफ से मिल रहे हैं? एक तरफ से, और इसको 2 तरफ से मिल रहे हैं, मतलब माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन 3 तरफ से मिल रहे हैं, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। और यहाँ पे एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब कहने का इसको कम जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसको उससे ज़्यादा से मिल रहे हैं, और इसको सबसे ज़्यादा से मिल रहे हैं। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा सिस्टम होगा? सेकंड वाला क्यों होगा? क्योंकि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और ऊपर से है भी नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले कम से कम होने चाहिए, ये कम से कम है तो सेकंड। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? थर्ड, और एंड में क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, ये वाला इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें, CH3 नेगेटिव चार्ज, CH3 नेगेटिव चार्ज, CH3 CH नेगेटिव चार्ज, और CH3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज सेम है, ये एक तरफ से, दूसरी तरफ से, तीन तरफ से, एक से, दो से, ये एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तीन तरफ से इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई हो रही है, कहने का मकसद कि ये हाईली अनस्टेबल, उससे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल, और सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा ये वाला, ठीक है ना। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? इस तरह का ऑर्डर आ जाएगा। माइनस के केस में माइनस आई स्टेबल करता है और प्लस के केस में प्लस आई स्टेबल करता है, ये बात आप याद। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लें, टू वीक ग्रुप मेक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ठीक है देन
a single stronger group if distance is same. मतलब कहने का, आपके पास माइनस आई सीरीज़ मैंने लिखवाई हुई है, उसके अंदर कुछ वीकर ग्रुप्स हैं, कुछ माइनस आई स्ट्रॉन्गर ग्रुप हैं. अगर सेम पोजीशन के ऊपर रख के कंपेयर किया जाए, एक स्ट्रॉन्गर ग्रुप के मुकाबले में अगर दो वीकर ग्रुप भी लगे हुए आ जाएं, तो वीकर वाले ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्गर. कहने का मकसद देखे ज़रा, हमें पता है कि माइनस आई इफेक्ट का देखा जाए तो NO2 का ज़्यादा होता है F से. ठीक है, तो अब अगर एग्ज़ाम्पल इसकी नोट करें यहाँ पे, तो क्या बनेगी आपके पास, CH3C, यहाँ पे F लगा दें, यहाँ पे F लगा दें, यहाँ पे CH2 नेगेटिव चार्ज लगा दें, यहाँ पे CH3C NO2H CH3 2 लगा दें. ठीक है, अब देखें ये कार्बोनाइन तो सेम है, ये भी कार्बोनाइन सेम है, इस कार्बन के ऊपर दो वीकर लग गए हैं, क्या लग गए हैं, दो वीकर लग चुके हैं, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर लग चुका है खींचने वाला. तो क्योंकि पोजीशन नंबर वन है ये, इसको अगर वन दे दिया जाए ये भी वन आ जाएगी, तो इस वन पोजीशन के ऊपर दो फ्लोरीन लगे हुए हैं जो कि वीकर हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल वन जो कि स्ट्रॉन्गर इफेक्ट रखता था, सेम डिस्टेंस के ऊपर था. ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है. ठीक है, सो दिस इज़ द होल अबाउट कार्बेनाइन. आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, तो आप इसको नोट डाउन करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पढ़ेंगे.